नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को डियर पहले मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही चाहता हूं कि डियर जो अगला शिक्षक दिवस आए उस दिवस को मनाने के लिए आप जो है एक सरकारी सीट पर तब तक काबिज हो जाएं, ऐसी मेरी पूर्ण आशा और विश्वास है। डियर बात करेंगे आज हम, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 52,000 पदों पर एक नई बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है। अगर आप भी इस वैकेंसी में एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कब से होंगे, इसकी योग्यताएं क्या होगी, क्या इसका क्या क्वालिफिकेशंस है, आखिर क्या PET एग्जाम इसमें भी लगेगा या नहीं, तो इन सब मुद्दों से अगर आप भी प्रभावित हैं तो चैनल ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। ये दरअसल आंगनबाड़ी में एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो माननीय योगी सरकार जी के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। अब आप देख पा रहे हैं, अब 10वीं नहीं 12वीं पास होगी शैक्षिक योग्यता। आंगनबाड़ी में 52,000 भर्तियां होंगी डियर, 52,000 काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पद हैं। आप देख पा रहे हैं 1,89,000 पद हैं यूपी में कार्यकर्ताओं के, 2 माह में रिक्त पदों को भरे जाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अगर इसमें हम जो है बात करें कि कितना क्या मासिक सरकार देती है तो 4,000 रुपये इसका मानदेय है और 1,500 रुपये केंद्र सरकार इस पर अपना जो है वो मानदेय देती है, और 400 रुपये प्रतिमाह फोन इत्यादि रिचार्ज के लिए दिया जाता है डियर। तो अभी तक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में केवल 10वीं पास शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, मगर बीते अगस्त में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 12वीं पास तय कर दिया है। शासन के मार्गदर्शन में विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र के इन निर्देशों के अनुपालन में चयन प्रक्रिया तय की जा रही है। तो कहीं ना कहीं डियर ये देख सकते हैं आप कि इंटर पास लिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का जो PET एग्जाम है वो क्वालिफाई आवश्यकता नहीं है डियर। तो अगर आप इस पर जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा अवसर है। 52,000 जो पद होते हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं डियर, और इसके लिए अब आप इंटर पास हैं अगर तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस प्रकार की वैकेंसी के लिए। इसमें PET एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। तो आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह के ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।